हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम बैक टू चैनल। आज हम इस पार्ट को डिस्कस करेंगे सम अदर लिटरेरी टर्म्स एंड कॉइन्ड बाय और फर्स्ट यूज्ड बाय। तो ये फिर से आप लोगों की एक लिस्ट है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने काफ़ी सारे नोट्स पीछे भी डिस्कस किए हैं एलटी एग्जाम्स के लिए, लेकिन आप अगर अदर एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो भी आप लोगों के लिए जो ये नोट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और आप लोगों को कहीं ना कहीं जब आप एमसीक्यूज ट्राई कर रहे हो, मल्टीपल चॉइस ट्राई कर रहे हो, तो वहाँ पर आप लोगों को 20 to 25 जो क्वेश्चंस हैं वो आपको यहाँ से देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि जो 30 to 35 इसी तरह की लिस्ट हमने पूरी 200 पेजेस में बनाकर रखी है, उसे अगर आप स्टडी करते हैं तो कहीं ना कहीं आप लोगों को एमसीक्यूज ट्राई करते हुए टाइम आप लोगों को काफ़ी सेव होता है, क्योंकि आप लोगों ने उसे ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, तो ये वाली लिस्ट हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज हम बात करेंगे इस लिस्ट के बारे में। तो इसमें ये कहीं ना कहीं आप लोगों का मिक्सचर है, एक तरह का मिक्स लिस्ट है। और जब हम मिक्स कोई लिस्ट होती है तो उसे हम डायरेक्टली कार्ड्स के थ्रू करें तो बहुत अच्छा रहता है। तो पूरा का पूरा हमने जो 200 पेजेस का की फाइल है, यहाँ पर आप लोगों को सारे कार्ड्स के थ्रू ही इसे करना है। अगर आप इसे ऑडियो बना सकते हैं तो आप ऑडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। जैसे कि आप क्या करेंगे, जब ऑडियो रिकॉर्ड करेंगे तो आप इस वाली लिस्ट को पहले बोलेंगे और इसे आप लोग वन और टू सेकंड का गैप क्या कर सकते हैं देकर आप अगला पढ़ेंगे। जैसे आपने पढ़ा इंस्पायर्ड मैथमेटिक गाइनो क्रिटिसिज्म Only connect to culture। तो जब आप इस ऑडियो को सुन रहे होंगे, जैसे कई सारे हम काम कर रहे होते हैं, यूजुअली जैसे हम खाना बना रहे हैं, ठीक है, फॉर ऑल, क्योंकि ये मैं नहीं करूँगा कि सिर्फ वुमेन या गर्ल्स ही करते होंगे ये काम। मैं खुद जब खाना बनाता था तो मैंने क्या किया हुआ था, ये जो जितनी ये लिस्ट थी ये पूरी मैंने ऑडियो में कर ली थी कन्वर्ट, ठीक है। अब मैं जब खाना बना रहा हूँ तो उस टाइम पे ये ऑडियो में चला दिया करता था, फिर देखता था मुझे कितना लर्न है कि इंस्पायर्ड मैथमेटिक्स किससे, किस राइटर से रिलेटेड है, गायनोक्रिटिज्म किससे रिलेटेड है। इस तरह से मैं ये मेरा एक बहुत ही अच्छा टेस्ट हो जाता था। और अगर 30 मिनट खाना बनाने में लगते थे तो उसमें मेरी कम से कम 5 से 7 लिस्ट में क्लियर कर लिया करता था। तो आप लोग भी इस तरह से अपना टाइम स्पेंड जो है कर सकते हैं, और बहुत ही मजा आता है इस तरह से तैयारी करने में। एक जो बुक वाला जो बोरिंग तरीका है पढ़ने का, उससे हमें थोड़ा सा निजात मिलती है और हम अच्छी तैयारी कर पाते हैं। बाकी बुक्स को तो हमें पढ़ना ही है। तो चलिए देखते हैं पूरी लिस्ट इसमें क्या क्या है। इंस्पायर्ड मैथमेटिक्स, एज्रा पाउंड, गाइनो क्रिटिसिज्म, एलन शॉल्टर, ऑनली कनेक्ट, ईएम फॉरेस्टर, टू कल्चर, सीपी स्नो, एंग्जाइटी ऑफ इन्फ्लुएंस, हैरोल्ड ब्लूम, सिम्बोलिस्ट मूवमेंट, आर्थर रिमोल्ड और स्टीफन। अब इसमें होगा क्या कि जब आप एग्जाम दे रहे होंगे तो एक चीज होगी कि जब भी आप इन टर्म्स को पढ़ेंगे तो आप लोगों को डायरेक्ट यहाँ पर एमसीक्यू में आंसर में ये राइटर्स दिखाई देंगे, या ये राइटर आप लोगों को दिखाई देंगे तो डायरेक्टली ये टर्म आप लोगों को वहाँ पे दिखाई देगा। तो बहुत ईजी हो जाता है हमें आंसर अटेम्प्ट करना। आर्किटिपल थ्योरी, नॉर्थरॉप फ्राई, इंटेंशनल पॉलिसी, डब्ल्यू के विंसेंट मुनरो, सी बिडले, एंड रोमांटिक आयरनी, फ्रेडरिक शिलेस, स्प्रंग रिदम, जी एम हॉपकिंस, नेगेटिव कैपेबिलिटी, जॉन किट्स, द न्यू क्रिटिसिज्म, जॉन क्रो, रैंसम, कल्चरल मटीरियलिज्म, रेमंड विलियम, हिस्टोरिकल नॉवल, सर वॉल्टर स्कॉट, ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव, वॉशिंगटन एल्स्टन, ही कॉइन्ड इट, ओके, एंड देन पैथेटिक फैलेसी, जॉन रस्किन, पोएटिक जस्टिस, थॉमस राइमर, प्रॉब्लम प्ले, हैरिक एप्सन, रिसेप्शन थ्योरी, हेंस रॉबर्ट जॉस, स्पीच एक्ट थ्योरी, जॉन ऑस्टिन, राइम रॉयल, चौसर, स्ट्रीम ऑफ कॉन्सियसनेस, विलियम जेम्स, टच स्टोन, अर्नॉल्ड, एस्थेटिक आइडियोलॉजी, पॉल डिमन, एस्थेटिसिज्म, अलेक्जेंडर बॉमगार्टन, अफेक्टिव फॉलेसी, डब्ल्यू के विम्सेट, कैंपस नॉवल, किंग्सले एमएस, एलिनिएशन इफेक्ट, बर्टोल्ट ब्रेस्ट,
डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी, टी एस एलियट, ड्रामेटिक मोनोलॉग रॉबर्ट ब्राउरिंग, न्यू क्रिटिसिज्म डेविड डाइचेस, एंड थ्योरी ऑफ कल्चरल हाइब्रिडिटी होमी के बाबा, डिकंस्ट्रक्शन डेरिडा एंड रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी स्टैनले पेज। अब अगर आप इसको थोड़ा सा अपना लेवल और बढ़ाना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं कि इंटरनेट से इन टॉपिक्स को थोड़ा थोड़ा इसमें 3-4 लाइंस की डिटेल्स ऐड कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आप लोगों को ऊपर बताया था कि हमने इसमें नोट्स, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो ठीक है, अगर आप हमारे नोट्स के थ्रू स्टडी कर रहे हैं तो आप लोगों को ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी ऑलरेडी। लेकिन आपको बता देता हूँ कि जैसे यहाँ पर हमने क्या किया था, ऊपर ऐड की थी, जैसे ये रहा, आपको क्या करना है कि एक दो लाइन का उसमें ऐड कर लेना है। जैसे सॉल लिखी, सॉल प्लस लिखा, वन सेल्फ आई टॉक, सीक्रेट थॉट अलाउड, ऑडियंस कैन लिसन बट नॉट अदर कैरेक्टर्स, ये सॉल लिखी होता है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, शॉर्ट नोट्स, जैसे मैंने कंसीट किया, कंसीट पे मैंने इस तरह के नोट्स बना लिए, एक्सटेंडेड मेटाफर पेट्राकन कंसीट। तो अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आपका जो फॉर्मेट होगा तैयारी का, वो आप इसी तरह का रख सकते हैं, जैसे मेटाफिजिकल कंसीट और डन्स अ वैलिडिक्शन फॉर्मेटिव मॉर्निंग, बहुत बार पूछा जाता है वहाँ पे। जो ट्विन कंपास को के बारे में बताया गया है, वो लवर्स को क्या किया गया है, इंडिकेट किया गया है, एंड टी एस एलियट फॉर इवनिंग अ पेशेंट एसिडाइज्ड अपॉन अ टेबल, ये कंसीट यहाँ पर यूज किया गया है। तो होपफुली कि आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो भी आप इस तरह से अपने जो नोट्स हैं उन्हें सिस्टमेटिक तरीके से बनाकर रख सकते हैं अपने पास और उन्हें लर्न कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।